हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह एंड आज आप लोगों के साथ में एक चीज़ का रिव्यू करने वाली हूँ। मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, मेरी फेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी उसे यूज़ कर सकते हो। एंड जिसके फेस में काले धब्बे हो जाते हैं या फिर काले दाग पड़ जाते हैं, अगर आप उसे अप्लाई करते हो तो वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाली। तो वो इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि आपके घर में ईज़िली वो आपको मिल जाता है। तो जो चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप उसे यूज़ कर सकते हो और वो ईज़िली आपके घर पे मिल जाता है, वो है टमाटर। इस छोटे से टमाटर से आप बहुत से बड़े बड़े काम कर सकते हो। एंड जैसे कि आप अगर घर पर रहते हो तो आप 15 से 20 मिनट अगर इसे अप्लाई करते हो अपने फेस पर तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड मैं आपको ये इसके बारे में बताऊंगी कि आप इसे किस तरीके से यूज कर सकते हो, इसमें क्या आप डालकर यूज कर सकते हो। एंड इसमें आप अगर टर्मरिक हल्दी चुटकी भर इसमें अगर डालकर इसे आप अपने फेस पर अप्लाई करते हो तो काफ़ी अच्छा होता है। इससे आपके फेस पर जो काले घेरे हो जाते हैं, काले दाग हो जाते हैं, पिंपल्स होते हैं एंड झाइयाँ पड़ जाती हैं, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंड इससे काफ़ी चीज़ें तो होती हैं एंड आप घर पर इसलिए आपको ये मिल ही जाता है। सब्ज़ी बनाने में यूज़ होता है, आप जानते हो इसे सब्ज़ी बनाने में यूज़ होता है एंड सैलड पे यूज़ होता है। तो अगर आप इसे अपने फेस पर भी अप्लाई करते हो, तो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आप इसे यूज़ करिए, आप ज़्यादा नहीं, आज के समय पे किसी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि अपने फेस पर घंटों कोई मसाज करे या फिर घंटों कोई कुछ लगाए। बट अगर आप इसे लगाते हो ना, 10 से 15 मिनट अगर आप इसे अपने फेस पर घिसते हो हल्दी डाल के दो चुटकी, तो इससे आपके फेस पर काफ़ी अच्छा होता है। फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग करने लगता है, काली झाइयाँ सही हो जाती है, दाग धब्बे बिल्कुल सही हो जाते हैं। आपको लेकिन इसे करना है एक हफ्ते से दो हफ्ते तक, तो आपको इसे यूज़ करना ही है, जिससे कि आपके फेस पर काफ़ी अलग ही एक रौनक आएगी। तो आप इसे ज़रूर से यूज़ करिए। मैं तो अपने फेस पर इसे यूज़ करती हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता, बट अगर आप 10 से 15 मिनट अगर आप इसे रैप करते हो अपने फेस पर अप्लाई करते हो और इसके बाद अपने फेस ठंडे पानी से आप धो लो, इसमें ज़्यादा इतना नहीं है कि आप लोग एक घंटे दो घंटे ऐसा यूज़ करें, और ओनली 10 से 15 मिनट आप इसे यूज़ करिए, आपके फेस में काफ़ी चमक आ जाएगी। आपको खुद से लगने लगेगा कि आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आपके फेस में सॉफ्टनेस आ रही है, स्किन बहुत शाइनी कर रही है एंड बहुत ज़्यादा ये दाग झाइयाँ धब्बे जो भी होते हैं ना, ये सारे पिंपल वगैरह सब रिमूव हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। ये छोटा सा टमाटर देखने के लिए है बट ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप इसे सैलड पे तो खाते हैं, ये सब्जियों में भी खाते हैं एंड इसे अगर आप अपने फेस पर भी अप्लाई करते हो तो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इसे बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसे लगाना है, किस तरीके से आपको कट करके इसमें हल्दी डालकर अपने फेस पर अप्लाई करना है, तो उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे अपने फेस पर कैसे अप्लाई करते हो एंड किस तरीके से इसे रैप करके ठंडे पानी से आप धो लेते हो तो आपके फेस में निखार आ जाती। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। आपको एक टमाटर लेना है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा टमाटर नहीं लेना है, और इसे दो पार्ट पे इस तरीके से काट लेते हैं। ये देखिए, और काटने के बाद इसे क्या करना है कि इसमें हमें ये टर्मरिक है तो हमें इसे लेना है और इसको हमें चुटकी भर इसमें डालना है, देखिए, और इसे ऐसे रैप कर देना है, उसी में डब कर देना है।
और करने के बाद इसे हमें यूं लेना है और लेने के बाद इसे हमें अपने ऐसे फेस पर अप्लाई करना है। आपको इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करना है एंड इसे कम से कम आपको एक से दो हफ्ते तक ही करना है। एंड अगर आप दिन में दो बार करते हो सुबह शाम तो आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मैं अपने फेस पर एक ही टाइम में यूज़ करती हूँ। अगर आप दो टाइम अगर आपके फेस पर ज़्यादा झाइयाँ या फिर है कील मुहासे या फिर काले के तो आप लोग दो बार यूज़ करिए। एंड मेरे इतने ज़्यादा नहीं हैं तो मैं इस वजह से इसे एक ही बार मतलब यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी इसे अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई करिए और आपको इसे ज़्यादा नहीं ओनली 10 से 15 मिनट तक करना है। इस तरीके से आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप ये तो जानते ही हैं कि टर्मरिक में कितने ज़्यादा गुड़ होते हैं क्योंकि ये खुद ही में एक एंटीबायोटिक है। तो आप इसे अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। इससे फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए इस तरीके से हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। आपको इस तरीके से 10 से 15 मिनट तक करना है और इसके बाद करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से रखना है थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। और ये ड्राई हो जाए तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक कॉटन के मदद से टिश्यू पेपर या ले लीजिए या कॉटन ले लीजिए, आपको इस तरीके से पोंछना है। और आप इसे ठंडे पानी से भी पोंछ सकते हैं पहले, लेकिन अगर आप इसे टिश्यू पेपर से पोंछते हो तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो आप पहले इस तरीके से इसे अपने फेस से रिमूव कर लीजिए। पूरी तरीके से ये क्लीन हो चुका है और इसके बाद हमें ये करना है कि हमें दूसरा टिश्यू पेपर लेना है और इसको हमें ठंडे पानी से गीला कर लेना है यूं। और इसके बाद हमें इसे पोंछना है। हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। देखिए आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा ये ग्लो हो रहा है। इसके बाद हमें अपने टॉवल से ऐसे पोंछ लेना है, क्लीन कर लेना है। और उसके बाद देखिए चेहरा आपको दिख गया होगा कि कितना क्लीन हो चुका है। एंड अगर आप इसे एक से दो हफ्ते तक अगर आप इसे यूज़ करते हो, दो टाइम यूज़ करते हो, तो आपके फेस में काफ़ी अच्छा चमक।
एंड जितने भी काले घेरे होते हैं, जाइयाँ होती हैं, दाने होते हैं, पिम्पल्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, और अगर जिसके फेस पर ऑयली फेस होता है, अगर आप उसे यूज़ करते हो, उसमें अगर आप यूज़ करते हो ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर इसे यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा है। एंड अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद मेरे वीडियो का बेल आइकन प्रेस तो ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।